यूपी पुलिस का जो फार्म है उसके लिए खास बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सामने निकल कर आई है अभी, यानी कि आज के दिन आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी को ही एक बड़ा खुलासा हुआ है जो कि हम आपको आगे बताएंगे, जो कि छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर फैसला हुआ है। लेकिन वहीं पर हम आपको बता दें अभी 17 और 18 फरवरी को फर्स्ट पाली में और सेकेंड पाली में जो पेपर होने वाला था लोगों का, वो वहाँ पर बताया जा रहा है कि फार्म को लीक कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर झांसी के एक रोशन भाई हैं, उन्होंने बताया कि जब हमारा उस दिन पेपर था तो पेपर के 4 से 5 घंटे पहले ही पेपर हम देख रहे थे कि लोगों के मोबाइल में आ रहे थे। अगर ऐसा हुआ, अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई, तो जो हमारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी, और जो हमने मेहनत की है सालों साल वो भी हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी, और जो फ्री में लोग नकल करके जो पास होंगे उनकी एंट्री सबसे पहले हो जाएगी, तो हमारा तो वहीं पर कोई रोल भी नहीं रहेगा। इस वजह से जो छात्र थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर ये किस वजह से जो परीक्षा है इसका पेपर जो लीक कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ, तो इस पर बहुत से लोग सवाल कर रहे थे। और बहुत से लोग जो है वो अभी इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी काफ़ी तरह तरह की लोग बातें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर परीक्षा के बारे में बात करें तो 75 जिलों में इसकी परीक्षा हुई थी और वहीं पर 48 लाख से ज़्यादा इसमें छात्र जो है वो शामिल थे। और वहाँ पर अगर उसकी भर्ती के बारे में बात की जाए तो 60,244 पद थे जिसमें लोगों ने भर्ती का फार्म आवेदन किया था। लेकिन वहीं पर जो छात्र थे वो फार्म लीक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर अब किया तो क्या किया जाए। लेकिन वहीं पर आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी बड़ा काफ़ी अपडेट दिया है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 6 माह के अंदर आप लोगों की जो परीक्षा है वो दोबारा से की जाएगी, जिसकी खबर सुनने के बाद छात्र जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उनको एक मौका मिल गया है कि यहाँ अपनी जो मेहनत है वो दोबारा से उनकी काश मेहनत रंग लाए और बहुत जल्द पुलिस परीक्षा की भर्ती में वो लोग शामिल भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। तो फाइनली दोस्तों, आपको आज का अपडेट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।